नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं मशीन पॉइंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हब ग्रीसिंग के बारे में। हैवी कमर्शियल व्हीकल के हब जो ग्रीसिंग होती है, आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं और इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इसे क्या एडजस्टमेंट होती है इसमें, ये मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले हम लोग टायर को रिमूव कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टायर को हम लोगों ने रिमूव कर लिया है। ये है हब, ये है इसकी प्लेट। देखिए एक्सल की प्लेट है ये, ये हब है और ये हमारा ब्रेक ड्रम है जिससे ब्रेक अप्लाई होती है। ये है स्टड जिसमें नट बोल्ट टाइट करने के बाद टायर को हम लोग माउंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इस एक्सल प्लेट को निकाल लेते हैं। ये एक्सल प्लेट है जिसे हम लोग को निकाल लेनी है। निकालने के बाद इस एक्सल को हम लोग बाहर कर लेंगे। ये है ड्राइव एक्सल, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें तीत बनी हुई है। जैसे ही हम लोग एक्सल को निकालेंगे, देखिए ये एक्सल जो है जाकर डिफरेंशियल में फिट हो जाती है वहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, ये है स्प्लाइन जो डिफरेंशियल के अंदर जाके माउंट हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये है चेकनेट और इस चेकनेट में लॉक है, इसमें सील है जो प्रोटेक्ट करती है कि ग्रीस को बाहर निकलने ना दें। फ्रेंड्स देखिए, ये है चेकनेट जिसे हमें निकालनी है। तो चलिए अब हम लोग चेकनेट को रिमूव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चेकनेट रिमूव करने के बाद हम लोग ड्रम को निकाल लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, ये ड्रम जो है कभी कभी जाम आता है, वो निकलने में बहुत ही मुश्किल या परेशानी करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक को रिलीज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग ब्रेक को रिलीज़ कर रहे हैं तो ये ड्रम फ्री हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से 14 नंबर की स्पैनर लगती है, वहाँ से ड्रम को लूज़ कर लेंगे। ब्रेक लूज़ करने के बाद ड्रम ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब इस ड्रम को हम लोग आसानी से निकाल लेंगे बाहर। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग खींच के निकाल रहे हैं इसको। ये ड्रम को हम लोगों ने निकाल लिया है बाहर। फ्रेंड्स देखिए, ये हब है और ये है ब्रेक शू, ये है स्प्रिंग, रिट्रैक्ट स्प्रिंग, ये है इसे बोलते हब। अब इस हब को हम लोग को निकाल लेनी है एक चेकनट स्पैनर से। हम चेकनट को लूज करके चेकनेट को बाहर कर लेनी है। फ्रेंड्स देखिए हम लोग कैसे चेकनेट स्पैनर से निकाल रहे हैं। इस चेकनेट को आसानी से निकालने के बाद इस हब को हम लोग बाहर ले लेंगे। ये खींचने से आसानी से आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है चेकनेट जिसमें होल बनी हुई है लॉक करने के लिए और ग्रूव भी इसमें कट किए हुए हैं कि लॉक वहाँ पे फिट हो जाए। और इस चेकनेट को ही हम लोग टाइट करके लॉक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग हब को निकाल लेते हैं। देखिए हब को आसानी से पकड़ कर निकाल लेंगे। फर्स्ट हमें लॉक रिंग निकाल लेनी है, उसके बाद हब को हैं। ये है एक्सल ट्यूब जिसमें हब लगी हुई होती है, यहाँ पे टीथ है। ये इनर रेसर है जहाँ पे सी चलती है। ये रिट्रैक्ट स्प्रिंग है, ये कैम है ब्रेक कैम, और ये ब्रेक रोलर। तो ये सब मिलके ब्रेक अप्लाई होता है। ये रिट्रैक्ट जितने भी स्प्रिंग इसमें हैं सभी रिट्रैक्ट स्प्रिंग हैं। एंड इसमें ब्रेक शू लगी हुई है। और फ्रेंड्स, ये डस्ट के वजह से भी बहुत काफ़ी ही स्लिप कर रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके हम लोग इसका पार्ट्स निकालते हैं। ये है आउटर रेसर जिस पे आउटर सील चलती है। और अब हम छोटी वाली बेयरिंग निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसमें टोटल दो बेयरिंग्स हैं और सील और ग्रीस प्रोटेक्टर रिंग भी है इसी में। तो फ्रेंड्स, ये है सिम। इस सिम का क्या यूज़ है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग एक बेयरिंग निकाले और ये दूसरा बेयरिंग भी हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। ये बड़ी वाली बैरिंग है जिसे हम लोग को निकालनी है। तो फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस जो अभी हम निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस मेंटेनर कप है।
जो एक बेरिंग से दूसरे बेरिंग के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करता है। और ये इसकी पूरी पार्ट्स है फ्रेंड्स, जितने भी इस हब में आइटम, इस हब के अंदर जो भी इस पर पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे निकाल दिया है। और अब हमें इसे क्लीन करनी है। क्लीन करने के बाद इसे ग्रीस डालकर फिर रीअसेंबल करेंगे फ्रेंड्स। और मैं जैसे जैसे असेंबल करता जाऊँगा और सभी के यूज़ एंड प्रॉब्लम्स बताता जाऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फुली हब है और हब से हम लोग ग्रीस को निकाल लेते हैं। ये अच्छी तरीके से ग्रीस निकल जानी चाहिए और इसे हम लोग डीजल से या कैरोसिन से क्लीन करके फिर रीअसेंबल करेंगे फ्रेंड्स। ये हम लोगों ने पूरी पार्ट्स को क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद अब हब देखिए फ्रेंड्स, ये लॉक है, ये बेरिंग, ये और एक बेरिंग, दो बेरिंग है, टेपर रोलर बेरिंग है, ये डिस्टेंस मेंटेनर कप है और ये चेकनट है जो लास्ट में टाइट करने के बाद टाइट कर दिया जाता है। और ये आउटर रेसर है जिस पे आउटर सील चलती है। तो और ये ग्रीस प्रोटेक्टर रिंग है फ्रेंड्स। अब हमें देखना है कि ये कैसे असेंबल होता है फ्रेंड्स। देखिए ये सिम है, जब भी हब जाम हो जाता है तो सिम को हमें बढ़ाना होता है, ऐड करना होता है। और जब भी हब में प्ले आ जाता है तो सिम को हम लोग को रिमूव कर देना होता है, वहाँ से निकाल लेना होता है, तभी यही इस सिम की एडजस्टिंग है। अगर फ्रेंड्स अगर प्ले ज़्यादा होगी तो हमारी टायर जो है वो वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगी फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने ग्रीस को हब में डाल लिया है और इसी ग्रीस को हम लोग बैरिंग में भी फिल करना है। देखिए हम लोग कैसे इस बैरिंग में फिल करते हैं इस ग्रीस को, मैं बताता हूँ। फर्स्ट बैरिंग को अच्छे से क्लीन कर लेनी है और ग्रीस की को एक साइड से फिल करनी है ताकि दूसरे साइड से ग्रीस रोलर के थ्रू बाहर आ जाए। और इसे हमें अच्छी तरीका से इस ग्रीस को इसमें डालना है ताकि बैरिंग जो है बैरिंग सूखा ना पड़ जाए। अगर ये बैरिंग ड्राई हो जाएगा तो ये बैरिंग सीज और वेयर एंड टेयर होने की चांसेस है, इसलिए हम लोग फर्स्ट इसमें ग्रीस इन कर लेंगे। इन करने के बाद अच्छी तरीके से हम लोग डालने के बाद ग्रीस बैरिंग को उसकी हब के ऊपर फिट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बैरिंग का ग्रीस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फुल्ली इसी तरीक़े से ग्रीस करना है इस बैरिंग में और इसे हम लोग हब के ऊपर रख देनी है। ये बड़ी वाली बैरिंग है फ्रेंड्स और इसे हम लोग को इसके ऊपर में ग्रीस सील, एक सील आती है उसे जो ग्रीस को बाहर नहीं आने देती हब से, उसे हम लोग डालनी है। तो फ्रेंड्स दूसरी बैरिंग में भी हम लोग इसी तरीक़े से डाल लेते हैं। ये दूसरी वाली बैरिंग है, ये दूसरी बैरिंग में भी इसी तरीक़े से हम लोग फिल कर लेते हैं ताकि फिल करके रखने के बाद हमें जब असेंबल करें तो हमें आसानी हो कि इमिडिएटली अगर चाहिए तो तुरंत ही हम लोग इस बैरिंग को भी उसके अंदर डालना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं इस बैरिंग में भी उसी तरह से ग्रीस करना है जैसे हम लोगों ने पहले वाली ग्रीस किया था। ये टेपर रोलर बैरिंग है फ्रेंड्स। चलिए अब डालते हैं सील। ये सील को हम लोग को अच्छी तरीक़े से बिठा के एक हैमर से इसे अच्छे से इसके ग्रूव में बैठा देनी है। बैठाने के बाद फिर हब को हमें फिट करना है फ्रेंड्स। देखिए हम लोग किस तरह से इस सील को हल्के हल्के उसके अंदर डाल रहे हैं और ये चेक कर लेनी है उसकी सरफेस के इक्वल आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसे और भी हैमर करके उसके सरफेस के इक्वल मिला देना फ्रेंड्स। ये इनर रेस है जिसमें वो बड़ी वाली सील चलती है और एक आउटर रेस है जिसमें छोटी वाली सील चलती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब ये हब को हम लोग डाल लेते हैं ट्यूब में, एक्सल ट्यूब में डाल देते हैं। और जैसे ही एक्सल ट्यूब में डालेंगे और इसे हमें बैलेंस करना होता है, बैलेंस करके हमें ये डिस्टेंस मेंटेनर कप डालना होता है, उसके बाद हम लोग सिम डाल लेंगे फ्रेंड्स। ये याद रखिए अगर हब में प्ले ज़्यादा है
तो टायर आपका वेयर एंड टेयर होगा, जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारा टायर चाट रहा है, तो इसी के वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अगर ये प्ले ज़्यादा होगा तो टायर जो है वन साइड से वेयर एंड टेयर हो जाएगा, तो सिम को हमें इसमें देख कर डालना है। जब प्ले अगर ज़्यादा हो जाए तो सिम हमें निकाल लेना है, और अगर हब अगर ज़्यादा जाम चलने लगे तो सिम हमें ऐड कर देना है, इसमें डाल देना है, तभी ये हमारा इस हब मेंटेन रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग बैरिंग को डाल लेते हैं और बैरिंग को अच्छी तरीके से इसके अंदर बिठा लेना है। देखिए अभी हम किस सपोर्ट से इसे अंदर डाल रहे हैं, डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से अपने पोजीशन पे बिठा देनी है। देखिए आराम से धीरे धीरे चला जाएगा फ्रेंड्स, और ये अंदर जाकर बैठ जाएगा और ये एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा, तो समझ लीजिए वो प्लेस आ गया हमारा। तो चलिए अब देखते हैं, ये हमने ग्रीस प्रोटेक्टर रिंग डाल दिया है जो ग्रीस को कंट्रोल करके अंदर तक रखती है। ये फुल तो नहीं रख पाती है लेकिन हाफ रखती है। उसके बाद फिर हमें सील डाल लेनी है इसके अंदर। देखिए ये है सील जो कि इसके अंदर डाल लेनी है, ये आउटर रेस के लिए सील है। इसकी जो ग्रीस पैकिंग होगी वो आउटर रेस और ये सील की बीच में ही ग्रीस पैक होगा, और ये हब के अंदर से ग्रीस एक भी ग्रीस बाहर, ज़रा सा भी ग्रीस बाहर नहीं आने देगा ये सील। अगर ये सील कट जाएगा तो ये फुल डिफेंशियल ऑयल में मिक्स हो जाती है ग्रीस। तो चलिए अब हम इसे सील को बिठाने के बाद हम लोग इसमें ओरिंग डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक ओरिंग आती है जो कि ग्रीस को प्रोटेक्ट करती है बाहर आने के लिए, वो बाहर नहीं आने देती है। ये आउटर रेसर है जिसे हमें अच्छी तरीके से बिठा लेनी है, और इसे हमें चेक भी कर लेना है कि ये सही से बैठा है या नहीं। ये अभी चेक करने के बाद हमें इसे लॉक डाल देनी है। देखिए हमने लॉक डाल दिया, ये लॉक रिंग है, और उसके बाद हमें चेकनेट को टाइट कर देनी है। फ्रेंड्स, अब हमें चेकनेट इसमें बिठा लेनी है। देखिए इस चेकनेट को हमें टाइट कर लेनी है अच्छी तरीके से, और इसे फुल टाइट करनी है। अगर ये लूज भी रहेगा तो इसमें प्ले आने के चांसेस हैं, तो हमें इसे अच्छी तरीके से फुल टाइट करनी है ताकि इसमें लूज ना हो, और इसकी प्ले भी हमें चेक करनी है कि इसमें प्ले है या नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, ये हम लोग इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद फिर इसकी प्ले को चेक करेंगे ये सही है या नहीं है। चलिए ये हमारा लॉक पोजीशन पे आ गया है, यहाँ पे ही हमें लॉक करना है इस चेकनेट को। चलिए अब इसकी हम लोग प्ले को चेक कर लेते हैं। ये अभी हमारा हब फ्री है फ्रेंड्स। चलिए ये प्ले को चेक कर लिया हम लोगों ने, प्ले सही है, तो हम लोगों ने इस चेकनेट को लॉक कर देनी है। इस चेकनेट को लॉक करने के बाद हमें एक्सल डाल लेनी है इसके अंदर। एक्सल डालने के बाद उसकी प्लेट डाल लेनी है, फिर ड्रम डालनी है। ड्रम डालने के बाद आसानी से व्हील को लगा देनी है। चलिए ये हम लोग एक्सल को डाल लेते हैं इसके अंदर। एक्सल डालने के बाद हम लोग को इसकी प्लेट डाल के लॉक कर देनी है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।